हेलो, दिस इज़ बलराज कौर फ्रॉम ईएमई टेक्नोलॉजी मोहाली। आज का जो हमारा टॉपिक है उसमें हमने जो लास्ट वीडियो में डेटा इंसर्ट करवाया था उसको फेच करवाना है। मींस आज हमने सिलेक्ट की क्वेरी यूज़ करनी है माई सीक्वल आई के अकॉर्डिंगली। तो हम स्क्रीन पे मूव करते हैं और यहाँ पे मैंने एक डॉक्यूमेंट ऑलरेडी बना रखा हुआ है फेच डॉट पी एच पी के नेम से। यहाँ पे आपने सबसे पहले इस पेज के ऊपर माई सीक्वल की सीक्वल आई सीक्वल जो भी आप यूज़ कर रहे हो उसकी क्वेरी लिखनी है, ठीक है, कनेक्टिविटी की। अगर आप कन्फिग डॉट पी एच पी के अकॉर्डिंगली करना चाहते हो, मतलब कनेक्टिविटी को बार बार ना लिखने की बजाय हम इंक्लूड करवा दें तो बेटर रहता है। यहाँ पे अब मैं एक टेबल क्रिएट कर लेती हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे अपना सारा डेटा टेबल के अंदर शो करवाना है। ये मेरा टेबल हो गया। अब यहाँ पे हम इसके अंदर पी एच पी स्टार्ट कर लेते हैं और सबसे पहले हम इसकी क्वेरी लिखेंगे। अगर तो आपने आपको कोई मतलब साइड से सिंटैक्स उठाना है तो आप उठा सकते हो, क्योंकि ज़्यादा बेटर यही रहता है कि हम बार बार कोड ना लिखें और रिप्लेस कर लें, उसको मॉडिफाई कर लें अपनी नीड के अकॉर्डिंगली। तो मैं भी इस कोड को थोड़ा सा चेंज कर लूँगी। यहाँ पे हमने लिखना है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो आपके टेबल का नेम है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम यूज़र, ठीक है। उसके बाद डॉलर क्यू यू माई सीक्वल आई क्वेरी कनेक्टिविटी का वेरिएबल हमारा ये वाला और ये सीक्वल। अब जो नेक्स्ट स्टेप रहता है उसमें ये है कि मुझे इसको वाइल लूप में डालना है ताकि जो मेरा डेटा है वो सारा फैच हो, लेकिन तब तक जब तक पूरा कंप्लीट नहीं हो जाता, ठीक है। वन सिंगल सिंगल रो नहीं, हमें पूरा इसको सेलेक्ट करना पड़ता है सारा, इसीलिए हम लूप को यूज़ करते हैं। तो अनलिमिटेड टाइम चलता रहता है जब तक पूरा डेटा हमारा फैच नहीं हो जाता। तो यहाँ पे आप माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच एरे यूज कर सकते हो, माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच एसोसिएट यूज़ कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे फैच एरे यूज़ कर रही हूँ क्योंकि अगर हम एरे यूज़ करते हैं तो आप वेरिएबल कॉलम का नेम भी दे सकते हो और नंबर भी यूज़ कर सकते हो, जो भी अकॉर्डिंग टू एरे नंबरिंग जैसे आईडीज कीज बनती हैं उस तरह से यूज़ कर सकते हो। तो यहाँ पे मैंने अपना लूप के लिए कर्ली ब्रैकेट लगा दी है वाइल डॉलर रो माई सीक्वल आई अंडरस्कोर फैच एरे, और ये क्यू यू को मैंने एरे के फॉर्मेट में कन्वर्ट करके रो के अंदर सेव कर दिया और वाइल लूप चला दिया। उसके बाद सबसे पहले तो मुझे इसको नीचे क्लोज करना है क्योंकि मैं ऊपर टेबल रोज और कॉलम सेट करूँगी। सबसे पहले मैं एक रो ले लेती हूँ अपना फर्स्ट कॉलम के लिए, ठीक है। तो हमें टेबल के लिए टी आर टी डी सेट किया, उसके बाद फिर से पी एच पी सेट करनी है। अब रो के अकॉर्डिंग चलना है, हमें लिखना है पी एच पी इको डॉलर रो, और यहाँ पे आप नंबरिंग दे दो या फिर आप कॉलम का नेम प्रोवाइड कर दो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है। और इसको मैंने यहाँ पे क्लोज कर दिया, ठीक है, और सबसे नीचे मेरा वाइल लूप भी क्लोज हो गया है। अब हम इसको रन करेंगे क्रोम के अंदर। तो यहाँ पे मैं लोकल होस्ट लिख लेती हूँ और ये मेरी आईडी के कॉलम्स आ गए। अब हम इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं। सबसे पहले तो टेबल हेडिंग लेंगे, ठीक है, टेबल हेडिंग आईडी, और इसको यहाँ पे सेव कर लिया। और इस पेज को हम रिफ्रेश कर लेते हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे अपना नेक्स्ट फील्ड भी यहाँ पे शो करवाना है आईडी के बाद, वो भी हम साथ में लिख ही लेते हैं साथ में, जैसे टेबल हेडिंग और फिर हमारा है नेम, ठीक है। नेम के बाद जो नेक्स्ट है वो हमने इंसर्ट करवाया था नेम और ईमेल पासवर्ड मोबाइल, तो चार बार हमें इसको रिपीट करवाना है क्वेरी को। सिर्फ हम टीडी लिखेंगे 4 times, 1 2 3 4, तो 0 हो गया, 1 हो गया, 2 and 3। अगर आप कॉलम के नेम्स नहीं देना चाहते हो तो आप इस तरह से यूज़ कर सकते हो। आईडी नेम ईमेल के लिए एक हेडिंग हो गया हमारा, उसके बाद नेक्स्ट था पासवर्ड, तो पासवर्ड के लिए सेट कर लेंगे,
पासवर्ड और नेक्स्ट है हमारा मोबाइल, मोबाइल के लिए हो गया। फाइल हम सेव करके लॉन्च करके इसको चेक कर लेंगे कि हमारा डेटा फैच हुआ के लिए। नेम, आईडी, नेम, ईमेल, पासवर्ड एंड मोबाइल। हमने यहाँ पे 1, 2, 3, 4 और यहाँ पे हैं 5। एक टीडी और क्रिएट करना पड़ेगा मोबाइल के लिए, तो इसकी नंबरिंग है हमारी 4। इसको मेरे को रिफ्रेशमेंट में विंडो की प्रॉब्लम है, इसलिए बार बार लॉन्च करवाना पड़ता है, तो वो डेटा शो नहीं कर रहा है एज इट इज। मोबाइल का डेटा हमें अगेन अभी तक नहीं मिला है। यहाँ पे हमारा नंबर है 0, 1, 2, 3 एंड 4। एक बार हम चेक कर लेते हैं कि मोबाइल फील्ड में हमारे पास वैल्यू है भी कि नहीं। ये मेरा यूज़र नेम और पासवर्ड, मैं डेटाबेस के साथ कंपेयर करवा लेती हूँ कि जो वैल्यूज़ हमारे पास आ रही हैं एज इट इज़ डेटाबेस में है चाहिए, उसमें वैल्यूज़ गई हुई हुई है कि नहीं। ये मेरा डेटाबेस था शॉप, ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड 4, लेकिन ये इसको रिफ्रेश नहीं करवा रहा है। ये इसने शो कर दिया मोबाइल। तो ये मेरे पास 4 कॉलम थे, 3rd मैंने एम्प्टी ही ऐसे सेव किया था। एक बार हम एक और फील्ड यहाँ पे डाल लेते हैं डमी, पासवर्ड और मोबाइल सबमिट, ठीक है। तो ये फील्ड्स हमारी यहाँ पे आ जाएंगी और बाद में आप इसको जहाँ पे आपने क्वेरी लगाई हुई है वहाँ पे देख सकते हो। जो हमने लास्ट फील्ड डाली थी वो यहाँ पे शो हो रही है। सो फैचिंग का ये सिंपल सा कोड है जो वाइल लूप और माई सी को लाई की क्वेरी के अकॉर्डिंग चल रहा है। सबसे पहले हमने सिलेक्ट की क्वेरी लगानी है, उसके बाद माई सी को लाई, फिर एरे फैच करवाना है, उसको एक वेरिएबल में सेट कर लिया, उसके बाद टेबल रो और कॉलम, ठीक है, दोनों चीज़ें ही हमें चाहिए क्योंकि हम बार बार इसको खुद रीराइट नहीं करेंगे, ये लूप में ही चलती रहेंगी जब तक हमारी पूरी क्वेरी रन नहीं कर जाती, जब तक सारे वेरिएबल सेट नहीं हो जाते। ये जो हमने 0, 1, 2, 3, 4 रखा है, इसकी जगह पे आप कॉलम्स के नेम यूज़ कर सकते हो और इस तरह से आप अपना डेटा फैच करवा सकते हो विद द हेल्प ऑफ माई सीक्वलाई। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपने हमारा चैनल लाइक, शेयर, सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।